कोपाल क्या होता है? बोंधता कोपाल यानी कली। मैं पहली संतान था ना माँ की, इसीलिए माँ मुझे कोपाल बुलाती थी। कोपाल, मैं आ रही हूँ। एक बात कहूँ, अब डांटेंगे तो नहीं? कह दो। कोपाल बाबू, कोपाल बाबू। अरे अरे बाबू, बाबू। इस तरह से पति बाबू का डाक नाम नहीं लेते हाँ? हाँ बोंधता, तुम मुझे अनिरुद्ध बुला सकती हो। एक से बढ़कर एक है। अनिरुद्ध बुला? अरे नहीं बाबू, पति बाबू ही बुलाना ठीक है। याद है ना तुम लोगों को, कल वो पितृ शांति की पूजा रखी है। सब ध्यान रहे कि अच्छे से हो जाए। हाँ आप चिंता मत कीजिए काका सिसु जी, हमेशा की तरह अच्छे से ही होगी पूजा। हाँ बहू, चाहते तो हम भी यही हैं, पर पता नहीं क्यों कुछ मन घबरा सा रहा है। लग रहा है जैसे कुछ अनिष्ट ना हो जाए। मुंशी, तैयारी हो गई सब मंदिर में? मेरी हो गई। मतलब? मतलब मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया माली। बाकी छोटी मालकिन खुद वहां की जिम्मेवारी संभाल रही है, तो कुछ कमी रहेगी क्या भला? बिहारी, तू अभी तक पितरों की तस्वीर पर से धूल ही हटा रहा है। अब तक ये मंदिर पहुंच जानी चाहिए थी, लेके आ जल्दी। जी मालिक। चलो मुंशी। हाँ मालिक। सॉरी सॉरी, ज्यादा मंदिर आया नहीं हूं ना, इसीलिए पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं करता हूँ। कोई बात नहीं पति बाबू, आपको देखकर कितनी चीजें करती हूँ मैं, यहाँ आप मुझे देखकर बाकी सारी चीजें कर लीजिए। पक्का। खेल रहे हैं सारे, आजा शामिल हो इसमें जरा, थोड़ा मुस्कुरा रे। मुझसे ये रिश्ता जो आसे सवारे, जसयाने से थोड़ा नाता बन जा तू, छोड़ बस। अरे पति बाबू, नकल में भी अकल होनी चाहिए। कुमकुम मांग में औरतें भरती है, आदमी नहीं। पति बाबू, बहुत सारी तैयारी करनी है पूजा की। सब पूर्वजों की तस्वीर लाते ही होंगे मारी बाबू, तब तक आप तस्वीरों पे चढ़ाने के लिए हार ले आइए। और हाँ, माँ के लिए ढेर सारे लाल गुलाब लाइए ना। लाल गुलाब और वो छोटी छोटी गोपाल। कौन देता? तो हार और गुलाब, छोटी छोटी गोपाल वाला ला रहा हूं। ये है हमारी हवेली के पूर्वज परदादा जी। प्रणाम कीजिए। ये है दादाजी, ये है परदादी जी,
ये हैं दादी जी और ये हैं मुझे पति बाबू की माँ जी देखनी है, मैं बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए। दिखाता हूँ पहले इनसे मिलिए। और ये हैं दादी बुआ और ये हैं अरे चित्र कहाँ गया? माँ जी कहाँ? हमने तो यही रखे थे। तो फिर कहाँ रह गई माँ जी का चित्र? बाप रे, गठरी खुल गई थी वहाँ। वो बाहर, पता नहीं हवा में वो तस्वीर उड़ तो नहीं गई होगी। अब क्या करें? जल्दी जाकर ढूंढिए बानी बाबू। हाँ, अभी ढूंढ कर लाता हूँ मैं। काका ससुर जी के आने से पहले माँ जी की तस्वीर मिल जानी चाहिए, वरना पूजा अच्छे से नहीं होगी। पति बाबू की माँ जी का चित्र और ये सामने लड़की एकदम एक जैसी दिख रही है। अगर ये मेरे जैसी छोटी नहीं होती तो ऐसा लगता जैसे ये खुद ही बाहर निकल कर आ गई है इस चित्र से। गोपाल, कर बुलाती थी माँ जी? गोपाल, गोपाल यानी कली। फूल सारे गिर गए। कौन है? कहाँ कोई है?
कहाँ थी तुम? किसके पीछे भाग रही थी? पति बाबू यहीं पे थी वो। कौन था भोंदका? अनिरुद्ध बहू जल्दी आओ, पूजा शुरू करनी है। आएगा कैसे सूजी? ओ देखो पूजा के लिए बुला रहे हैं, जल्दी आओ। कहाँ गई वो सासू माँ जैसी दिखने वाली लड़की? अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है? पति बाबू देखते तो वो भी सोच में पड़ जाते कि कोई एकदम उनकी माँ जी जैसा कैसे दिख सकता है। हवन कुंड में आहुति डाली बहुरानी जी। बहू बहू कहाँ खोई हुई हो? डालो आहुति डालो। बिनोय करो चलो। बिनोय बिनोय जा, धूरी छोड़ के कैसे जा सकते हो? ये सिखाना पड़ेगा तुम्हें। दा मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात, पर बात ये थी कि ज्यादा देर तक आलती पालती करके नहीं बैठ सकते, जानो ना लोचंदा। बैठ जाइए गोपाल के बाबा। पति बाबू ये वही है जिसे मुझे दिखाना था आपको। कौन है ये बोंदता, जानती हो तुम इसे? क्या नहीं नहीं नहीं। हाँ या ना बोंदता? क्या बोला तुम? कौन हो तुम? है? शुभ्रा रॉय चौधरी। Thank you.
मेरी माँ जैसी लग रही है पति बाबू। बिल्कुल नहीं बोलता। माँ जैसे कैसी लगेगी? तुम जानती हो माँ कई साल पहले भगवान के पास जा चुकी हैं। ए लड़की, अरे बंद करो, बंद करो अपना ये भद्दा मजाक। तुम जानती हो हम कौन हैं? हम लोग रॉय चौधरी हैं और इस तरह का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। किसकी है ये उदंड लड़की? लेके जाओ इसे, इसके माँ बाप को बुलाओ। किसकी बिटिया है ये? मुझे कौन लेके जाएगा, क्योंकि मैं तो आप लोग की ही हूँ। आप लोग ही मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार। सुनो सुनो, बोल रही तुम अभी बच्ची हो, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं तो अच्छा लगता है, बेकार की बातें करते हैं तो नहीं, समझी? गोपाल, तूने मुझे पहचाना नहीं? और मैं बच्ची नहीं, तेरी माँ, तेरी माँ हूँ। कम से कम आप तो विश्वास कीजिए मेरे बातों पर। पिछले जन्म में मैं शुभ्रा थी, पुनर्जन्म हुआ है मेरा। क्या पुनर्जन्म हुआ है मेरा? पिछला जन्म, पुनर्जन्म, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मनगढ़ंत बातें तुम्हारी मन की कोई कहानी है? तुम्हें जरूर किसी ने भेजा है ना? किसने भेजा ये बताओ। अनिरुद्ध, जरा हमें संभालने दो, इसे हम समझाते हैं इसे। ये लड़की हमारी पूजा में विघ्न डालने आई हो ना, पर असफल हो गई तुम, क्योंकि हमारी पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है और हम लोगों में से किसी को भी तुमसे कोई अनर्गल बात नहीं करनी है, तुमसे बात ही नहीं करनी है। चलो सब यहाँ से। और हाँ बिहारी, ये ध्यान रखना, ये लड़की हमारा पीछा ना करे। चंदा रे चंदा रे, धीरे से मुस्का। चंदा रे चंदा रे, धीरे से मुस्का। होले से पलकों में छुप जा। चंदा रे हौले से पलकों में छुप जा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.